हाँ देखो अभी हम क्या देखते हैं कि काउंट फॉर्मूला देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला देखते हैं? काउंट। अरे अभी काउंट फॉर्मूला मतलब क्या आएगा कि क्या लिखा है इधर, काउंट द सेल इन विच नंबर आर इंटर, मतलब इसमें ऐसी जगह देखिएगा कि जिधर जिधर नंबर लिखा है उस नंबर को वाली सेल काउंट करेगा, बोलो ना, जिधर जिधर नंबर लिखा है उस नंबर वाली सेल को काउंट करेगा। अभी हम इधर से देखते हैं कि इसमें कितने कितनी जगह नंबर लिखा हुआ है, तो तीन जगह नंबर लिखा हुआ है इसलिए पता रहे तीन जगह, बोले इधर तो भी नंबर है, लेकिन आप इधर बोलोगे इधर तीन कैसे आ गया, तो जो डेट रहता है बोलो ना, इधर भी तीन लिखा है, देखो ये जो डेट रहता है टाइमिंग रहता है ये भी क्या रहता है नंबर फॉर्मेट में रहता है। जब एक्सेल में एंट्री होता है ना तो जो डेट लिखते हैं वो डेट का भी हर एक का एक नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है, जैसे हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इसके लिए अगर नंबर आपको देखने का कि ये नंबर क्या है, मतलब नंबर की वैल्यू क्या है, तो इक्वल टू क्या लिखा, एन करके लिखा सिर्फ, और बाद में ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो इस नंबर का वैल्यू बताएगा आपको, एन करके लिखा एंटर कर दिया। देखो इसका एक सीरियल नंबर है, बोलो ना, ये तीन नंबर का भी देखने का सीरियल नंबर, मतलब हर एक का एक एक सीरियल नंबर में मेंशन एंट्री किया हुआ है, समझेगा इतना, तो ये नंबर काउंट करेगा। इसलिए इसलिए इधर भी क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, इधर देखो इधर भी तीन शो कर रहा है। तो ये काउंट फॉर्मूला क्या फाइंड करता है कि जिधर जिधर नंबर लिखा है उधर वो बताएगा कि इतने सेल में नंबर लिखा है। अभी इसमें कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा, इसलिए दो लिखा है, इधर हाई करके लिखा है, ये नंबर है क्या? नहीं, इसलिए क्या आ रहा है, टू आंसर आ रहा है। इधर भी कुछ रॉन्ग एंट्री दिया है, जीरो समथिंग, जीरो डिवाइड बाई जीरो, तो ये भी टू आंसर आ गया। मतलब जिधर जिधर नंबर लिखा रहेगा वही आपको सेल काउंट करके बताएगा। तो कैसे यूज करोगे, देखो सबसे ईजी रहेगा, क्या लिखोगे, फॉर्मूला इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन किया, और ये तीनों सेल को इतना सिलेक्ट कर दो, बाद में इंटर कर दो, मतलब वो बताएगा कि इस तीन सेल में से किधर किधर नंबर लिखा हुआ है, तो तीन जगह नंबर लिखा हुआ है, आया समझे, समझेगा इतना, कि वो सेल काउंट करता है कि किधर किधर नंबर लिखा हुआ है, उतने सेल को वो काउंट करके बताएगा, समझेगा।